भागलपुर के जगदीशपुर बैजानी गांव स्थित सुदर्शन सिंह उर्फ सुमन सिसोदिया के घर पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सुबह 8 बजे पहुंची इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने छापेमारी करते हुए पूछताछ शुरू की, जो कई घंटों तक चलने के बाद भी देर शाम तक जारी रही। वहीं इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये पूछताछ अगले दिन तक भी चल सकती है। साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और सुदर्शन सिंह उर्फ सुमन सिसोदिया जमीन कारोबार में पार्टनर है और रेलवे के लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर आयकर विभाग के अधिकारी की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, जबकि पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अलग अलग जगहों पर चल रही छापेमारी को लेकर जहां लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि कयासों का दौर भी जारी है। भागलपुर सुल्तानगंज के शिवम चौधरी के तीन ठिकानों पर बुधवार की सुबह पटना से आई आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। कुछ दिन पूर्व शिवम चौधरी के पास अवैध तरीके से कालाधन जमा होने की खबर आई थी और कयास लगाया जा रहा है कि इस सिलसिले में आयकर विभाग की रेड शिवम चौधरी के यहां पड़ी है। बताया जा रहा है कि शिवम चौधरी ने जमीन खरीद बिक्री कारोबार और सूद पर पैसा लगाकर कालाधन जमा किया है, जिससे उनकी गिनती शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती है और का कारोबार सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है। इसके अलावा सुल्तानगंज तारापुर के मुख्य मार्ग में शिवम पेट्रोल पंप और सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य पथ मस्ती के समीप शिवम ईट भट्टा के मालिक भी हैं। वहीं आयकर विभाग टीम द्वारा अलग अलग ठिकानों पर की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी से अन्य व्यवसायी और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में कई राजद नेताओं के अलग अलग ठिकाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। दरअसल आरजेडी से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के कटिहार स्थित उनके मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी और उनके आवास के अलावा गेस्ट हाउस में भी सीबीआई की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि कई एकड़ में फैले कटिहार मेडिकल कॉलेज परिसर में चल रही इस छापेमारी को लेकर फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, जबकि राजद सांसद अहमद अशफाक करीम की गैर मौजूदगी में चल रही छापेमारी को लेकर कटिहार मेडिकल कॉलेज से जुड़े अधिकारी विजय मुखर्जी भी रेड से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही छापेमारी को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है। रोहतास के सासाराम नगर थाना क्षेत्र में दो जगहों पर बुधवार की सुबह से ही ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। दरअसल झारखंड की आईएएस पूजा सिंगल मामले का तार सासाराम से जुड़ा है, जिसको लेकर मुख्य सरगना कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू के सासाराम बैंक कॉलोनी स्थित आवास पर बुधवार की सुबह ईडी की टीम पहुंची और रेड शुरू कर दी गई। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के मामा रतन श्रीवास्तव, जो निबंधन कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके गौरक्षणी मोहल्ला स्थित आवास पर भी सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड में करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में पहले से ही प्रेम प्रकाश केंद्रीय जांच टीम के निशाने पर है और इसी को लेकर उनके सासाराम स्थित आवास और उनके रिश्तेदारों के यहां पे छापेमारी की जा रही है, जिससे घोटालों में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। Thank you.
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। सुल्तानगंज गंगा में मगरमच्छ घूमने की खबर से गंगा किनारे और आसपास रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। दरअसल उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सुल्तानगंज में हमेशा गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है, जबकि गंगा किनारा स्थानीय लोगों के दिनचर्या का साधन भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई बार गंगा में मगरमच्छ को घूमते देखा गया है, जो इंसानों के साथ पशुओं के लिए खतरे का संकेत है। बताया जा रहा है कि अजगैवीनाथ मंदिर के पीछे वाले में एक बार फिर से मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद गंगा स्नान करने जाने वालों के अलावा आसपास के लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें कि पिछले दिनों एक व्यक्ति को मगरमच्छ ने गंगा किनारे से नदी में खींचकर पैर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद किसी तरह युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई थी और बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल सुल्तानगंज गंगा घाट के आसपास कई मगरमच्छ अपना डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी गई है, मगरमच्छ को दूर और सुरक्षित धार में पहुंचाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर दर्ज एक पुराने मुकदमे में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद उस मामले में हाजीपुर कोर्ट ने उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। दरअसल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में चुनाव को बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच की निर्णायक लड़ाई बताया था, जिसके बाद जातीय भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए लालू प्रसाद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था और आघोपुर अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था। ऐसे भाषण को लेकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हाजीपुर के गंगावर्ज थाने में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि बीते 16 जून को हाजीपुर कोर्ट में इस मुकदमे में लालू प्रसाद यादव की पेशी भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी, जबकि बुधवार को लालू यादव को मामले में रिहाई दे दी गई। लखीसराय के किरणपुर मानिकपुर पथराम बाबा स्थान के समीप स्थित पुलिया के नीचे पानी से पुलिस ने रस्सी से बंधा एक व्यक्ति का तैरता शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं घटना की जांच में जुटी लखीसराय मेती चौकी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।